अस्सलामुअलैकुम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज एक बार फिर एक बड़ा केस और एक नया केस आपके सामने रखने जा रही हूं। यह है 14 साला जवेरिया का केस। जी हां, 14 साला जवेरिया का केस, वो केस है जहां जवेरिया को अगवा किया गया और फिर 35 साला अब्दुल कदीर से उसका निकाह करा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जवेरिया ने पसंद की शादी की है, लेकिन जवेरिया के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और वो जो है वो बड़े बड़े इंकशाफ करने वाले हैं। उनकी मुझसे जब अभी बात हुई तो वो मुझे ये बता रहे हैं कि जवेरिया को घर से अगवा किया गया है। अभी जब जवेरिया उनसे बात कर रही है तो वो ये कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे अपने घर वापस ले जाओ। जवेरिया इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद है। जवेरिया इस मकाम तक पहुंची कैसे, क्या चीजें हुई, मुलाकात कैसे हुई, रابطे कैसे हुए और जवेरिया को राजनपुर ले जाकर निकाह कैसे किया गया, इस वीडियो में खुलासा करने वाली हूँ। तो आज इस प्रोग्राम को देखिए, मेरे साथ मौजूद है जवेरिया के वालिद अब्दुल रशीद साहब। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में जवेरिया के वालिद रशीद साहब। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वाकया स्टार्ट कैसे हुआ, जवेरिया की मुलाकात अब्दुल कदीर से हुई कैसे? ये तो बाजी मकसद है कि पहले वो आते जाते थे, सब्जी का काम करते थे, रक्षा भी चलाते थे जी। किसी बहाने जो है ना वो बच्चे को लगा के सब्जी लेने गई है या कुछ भी किया है, उसी वक्त ये सारा कुछ ड्रामा वही हुआ है। ठीक है, वहाँ से ड्रामा करके तो इन्होंने जो है ना, इसका चाचा है, इसकी फैमिली इधर है, उनकी बीवी बच्चे मेल मिलाप खुफिया करते थे, वो हमें मालूम नहीं था। तो ये जो है ना बच्ची को वरगला के तो उसके ये करके तो फिर इन्होंने बच्ची को अगवा किया है। कितना टाइम हो गया है जवेरिया को अगवा हुए? ये जो है ना जब को 10 जनवरी को हुआ है। 10 जनवरी को 2022 की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने अपनी कोशिश जारी रखी है, तो इन्होंने मुझे कत्ल की धमकियां भी दी हैं, अगवा भी कर रहे थे, 5 लाख मुझसे तवान मांगा था। तो ये गैंगवार लोग हैं, पेशावर का लोग हैं, ये मजीद अभी भी मुझे संगीन धमकियां दे रहे हैं कि भैया केस वापस कर लो, तो ठीक है नहीं तो जान से मार देंगे। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, इन धरने को इंशाल्लाह जो है ना मंजिल तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त हमारे नाजरीन जो है वो ये जानना चाहेंगे कि आप ये बता रहे हैं कि जवेरिया की जो उम्र है और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि 14 साल है और वो जो लड़का है वो 35 साल का लड़का है, तो आप डिफरेंस आप लोग खुद देख रहे हैं कि 14 साल की मासूम बच्ची लगभग पढ़ रही थी स्कूल में थी और जो लड़का है वो 35 साल का लड़का है, किस तरह वरगलाया गया, क्या सोच थी, क्या दिमाग में फीड किया गया कि लड़की अपना घर छोड़ के जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई और अब जो है वालिद पूरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इब्तदाई कार्रवाई में आपने क्या किया, सबसे पहले जब आपको पता चला कि ये मामला हो चुके हैं आपने पहले क्या किया? मैंने जो है ना FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज करवाने के बाद जो है ना फिर मैं रब्ता हुआ इन लोगों से, इसके चाचे के साथ लोगों ने कराया था, तो इसने पहले तो मान नहीं थे, कह रहे हमारे पास बच्ची नहीं है, फिर इन्होंने तवान का मतलब। आपने ट्रेस किया था नंबर जवेरिया का? जी ट्रेस नहीं किया था, लोगों से मालूमात करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं इनके पास। अच्छा ठीक है, तो जब पहुँचे थे तो इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास बच्ची नहीं है। ठीक है, तो वो भाई के साथ रابطे में था, वो रियाज, उसको मैंने गिरफ्तार भी करवाया था जो मुझे अगवा कर रहा था और कत्ल की धमकियां दिला रहा था। ठीक है, तो 5 लाख तवान मांग रहे थे, फिर 3 लाख रुपए पे बात हुई थी। जब वहाँ पहुँचे तो खैरपुर पे जो है ना ये मेरे साथ ड्रामा अगवा करने की कोशिश की, फिर खैरपुर पुलिस वाले जो है ना, मैंने शोर किया था, दो बंदे इनके भाग गए थे, उसके बाद जो है मुझे खैरपुर पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, मेरे पास FIR की कॉपी थी, मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने मुझे बंद नहीं किया था। ठीक है, इन सब में मैं जानना चाहूंगी जवेरिया का क्या मौकिफ है, जवेरिया जो है उसका क्या है अभी जो बयान है वो क्या है, वो चाहती है कि वो आप लोगों के पास वापस आ जाए? अभी वो कभी जो है ना उसका दिमाग सही होता है तो वो बोलती है, रोती भी है, वो कहती है मुझे ले जाओ। ठीक है, तो जब उसको जादू किया है, नशे वर्ग चीजें खिलाई है, जब उसका दिमाग उस पर घूमता है तो फिर वो बात उनकी तरफ से करती है, उसको परेशान में रखा हुआ है, डराया हुआ है, धमकाया। ऐसी कोई बात जवेरिया ने आप लोग आपसे की है? जी, कोई ऐसा जिक्र किया है? हाँ बोला है, और ये भी बोला था कि प्रेशर दिलवा के मुझे बोलते थे कि भाई जैसे हमने बोला है बोलना है ना, वैसे बोलना है और कोई बात नहीं करनी। ठीक है, आप पुलिस की जो पुलिस अपनी कार्रवाई दिखा रही है तो आप उससे सेटिस्फाई हैं, आप हैं मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, पुलिस हमारे साथ तामन कर रही है और माशाल्लाह वहाँ जब गए थे तो कश्तियाँ वगैरह पे जहाँ वो जंगलात थे, जो कच्चे का इलाका है, ये पहले धमकियाँ देते थे कि हम कच्चे के इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ तो पुलिस भी नहीं आती। अच्छा जी,
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त जो है वो जवेरिया कहाँ मौजूद है, और आगे जो अदालती अहकाम है वो ये है कि जवेरिया को दुआ जहरा की तरह शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए। तो आप लोगों ने क्या सोचा है आगे, जवेरिया से कोई मुलाकात के सिलसिले आप लोगों के हैं, हो रहे हैं अदालती अहकाम कुछ है इस तरह? अभी तो ये जो है ना तारीख थी ना 27 की ना जी, तो अभी जो है ना जज साहब ने जो है ना वो ऑर्डर किया है वो शेल्टर होम है, तो अगली तारीख जो है ना 17 अगस्त की है। 17 अगस्त की जी जी, तो उसकी जो पहली रिपोर्ट आई है मेडिकल की वो 14 और 15 साल की आई, ठीक है। तो उन्होंने जो शेल्टर होम वाली वकील है ना उसने इतराज किया है, पता नहीं उनसे पैसे लिए हैं क्या किया है, तो उसने आके इतराज किया कि भाई वो बोर्ड बैठा जाए। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारी बच्ची तो 14 साल की है, तो बोर्ड बैठ जाए हमें कोई इतराज नहीं है। फिर जज साहब ने कहा ठीक है बोर्ड बैठ जाएगा, तो उसने बोर्ड का जो है ना फैसला करके तो ये किया है कि बच्ची जो है ना शेल्टर होम में रहे, ठीक है। आप आगे क्या चाहते हैं, इस केस को खत्म करना या फिर जो निकाह जो है वो हो चुका है जी, उसके बाद आप चाहते हैं कि निकाह जो है वो कंटिन्यू रहे और आगे चीजें हो? नहीं, निकाह तो जैली है ना। अच्छा। निकाह तो जैली है ना, निकाह का कोई ये नहीं है कि आप 10 साल की बच्ची चली जाए हाँ। तो जाके किसी के साथ निकाह करे तो वो जायज हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 14 साल अभी जो आपके आपके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अगर चाहती हैं कि निकाह जो है वो कायम रहे तो हो सकता है, अगर आप लोग चाहें कि वो बच्ची आपके पास रहे तो आपके हवाले कर दी जाएगी। तो बच्ची तो हमारे पास होनी चाहिए ना, बिल्कुल, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो इंसाफ के लिए 6 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। हम अल्लाह के ऊपर भरोसा था तो हमने हिम्मत नहीं हारी, अपना जो भी है हमने कोशिश की है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है ना मंजिल मकसूद से पहुंचाएगा, ठीक है। तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची हमारे हवाले करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी रशीद साहब कि आप जब कांटेक्ट करते हैं जवेरिया से तो किसी फोन नंबर के थ्रू करते हैं या उसके ससुराल वाले अगर मैं कहूँ जिनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आप फोन नंबर है कोई जिनसे आप रब्ता में रह रहे हैं या फिर घर जाके बात होती है, किस तरह जो है वो आपका रब्ता कायम? मुझे जो है ना एक दो मरतबा किया है तो शेल्टर होम से आया है फोन। अच्छा, वहाँ से फोन आया है, बाकी कोई फोन नहीं है। और इस दौरान आपकी कोई बात नहीं हुई थी जवेरिया? नहीं, बाकी आज कल कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अभी उनका पता नहीं है कि वो उनसे मिले हुए हैं, वो जो है ना वो मोबाइल दिया हुआ है या वो रब्ता कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोन आया था उसी वक्त शेल्टर होम से आया था, ठीक है। तो बाद में जो है ना वहाँ भी जब इसको इधर शेल्टर होम में लेके आए थे उस वक्त रोने लग गई थी, मैं आपके साथ जाती हूँ, ठीक है। ये कहा है जवेरिया? जी बिल्कुल कहा है, ठीक है। और मकसद ये है कि वो कह रही थी कि भाई मैं मुझे जो है ना डर खौफ है, मुझे जो है ना इन्होंने धमकी में रखा हुआ है, जो अच्छा। जो बोलना है जो हम बोलेंगे वही बोलना है, बाकी है। कोई बात नहीं बोलनी, ठीक है। अब दिमाग उसका तवाज़ुन सही नहीं है, उसको प्रेशर में जादू और नशे वगैरह खिलाया हुआ है, वो उसकी वजह से, ठीक है। आप ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है? बिल्कुल। अभी क्या स्टेटस है आपके केस का? अभी तो वो कह रहे हैं मैं चलान ये करूंगा, उसके बाद जो है ना मैं अपनी कार्रवाई अब सेक्शन बढ़ाऊंगा, तो ये जो है ना जैसे निकाह है या सारा कुछ है उसकी तहकीकात तक जाएंगे, जो जैली निकाह है, ठीक है, हम इसको जो है ना इस आधे इस पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये निकाह कराची में ही हुआ है और कहाँ हुआ है, कोई मौलवी जिसने ये निकाह कराया और जो गवाह बने हैं वो लोग कौन थे ये तो हमें मालूम नहीं है, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ अपने इलाके कच्चे में निकाह करवाया है तो वहाँ का है, इधर का तो हमें मालूम नहीं है, ये पता नहीं है कौन नाम लिखे हुए हैं उनके, तो वो जो है ना वेरीफाई जब करेंगे तो मालूम हो जाएगी कि जैली निकाह है, इसका सबूत कोई नहीं है, ठीक है ना, बच्ची का शनाख्ती कार्ड है और कोई मौजूद नहीं है, और मेडिकल की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो बेफॉर्म भी है हमारे पास, ठीक है, सब कुछ, और आपने सभी अदालत में जो ये प्रूफ दे दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है, हमारे पास सब चीज मौजूद है। कोई पैगाम जो आप जवेरिया को देना चाहते हैं? जवेरिया को तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बच्ची हमारी ऐसी नहीं थी, उसके दिमाग पे जो उन्होंने जादू या मकसद है कोई नशे वर्गा चीज खिलाई है, तो उसका दिमाग तवाजुन सही नहीं है, ठीक है। कभी जब उसका दिमाग सही होता है तो फिर वो बेचारी रोती है, अच्छा, वो बोलती है मुझे ले जाओ, तो जब उनको देखती है या कुछ ये वो फोन पे रब्ता करते हैं या कुछ धमकी देते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, तो उस वक्त वो जो है ना फिर उनकी तरफ ये करती है, अच्छा। धमकाया हुआ है, उसको प्रेशर में रखा हुआ है, बच्ची हमारी ऐसी नहीं थी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद सर आपके टाइम का। तो आपने गुफ्तगू सुनी, जवीरा के वालिद मेरे साथ मौजूद थे। एक और केस दुआ जहरा जैसा बड़ा केस, ये केस हमारे माशरे में बहुत तेजी से जन्म ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई जो है वो बहुत सुस्रवी का शिकार है। अदालत ने भी पुलिस को यही अहकाम दिए थे, लेकिन पुलिस ने जो है इस केस की कार्रवाई करने से मना कर दिया था। जब अदालत का हुक्म आया है तो पुलिस एक्शन में आई है, पुलिस बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।